अब पूजन के उपरांत हम लोग गायन करेंगे। बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है कि धर्म प्राण काशी में धर्मात्मा मुख्यमंत्री का पदार्पण हो रहा है। हम ब्राह्मणों के लिए तो आप तो संजीवनी है महाराज, क्या भूलिए रमत, आप ब्राह्मणों की कृपा से ही आप लोग पद पर आशीर्वाद हैं। बस महाराज आपको लगा हुआ है, आध्यात्मिक अनुभव भी दिव्य हैं। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, यहां ज्ञान चक्षु भी खुल जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण अपने आप में न केवल भव्य है बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। कवि स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उनने ये कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, भारत माता एक बार फिर से आंखें खोल रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र ने करके दिखा दिया। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और उसका अनुभव काशी में आके होता है। आज भारत का दसों दिशाओं में विकास हो रहा है और विकास को एक नई दिशा भी दी है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। यहां बाबा के दर्शन करके नई ऊर्जा के साथ अयोध्या प्रस्थान करेंगे। यहां बाबा के दर्शन किए हैं तो फिर काशी के कोतवाल के दर्शन अवश्यंभावी है, उनको भी प्रणाम किया और फिर कौन सो संकट मोहे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो संकट मोचन। हनुमान जी के भी दर्शन किए और अनेकों प्रेरणाएं लेके नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। अब राम लला के दर्शन होंगे, तीनों दिन मन अपार आनंद से भर गया, महा आनंद में डूबे रहे और अब नई प्रेरणा लेके जा रहे हैं।